नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आप सभी का मदर मिरेकल डिजिटल क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 11th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950s 1990 तक। तो बच्चों, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, इंडियन इकोनॉमी 1947 to 1950 पढ़ा था। आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए जान लेते हैं और बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। टॉपिक्स कवर्ड इन दिस चैप्टर इज व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम का क्लासिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, तीनों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन उसके बाद प्रॉब्लम एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में खेती का क्या महत्व है और उसकी क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मार्केटेबल सरप्लस, ग्रीन रेवोल्यूशन, मार्केटेबल सरप्लस किसे कहते हैं, और आपका हरित क्रांति के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के महत्व के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्री का क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे। प्राइवेट सेक्टर का क्या महत्व है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं उनके बारे में यहाँ जानेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में उसके बारे में जानेंगे यहाँ पर। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइव ईयर प्लानिंग, फाइव ईयर प्लान्स जो हमारे निकलते हैं उनके क्या उद्देश्य हैं, क्या गोल्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ जानेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कैसे हुई, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी जो कि गोल है हमारे किसके, फाइव ईयर प्लानिंग के, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, और लास्ट में हम लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट टॉपिक की ओर। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, इट इज अंडर प्रोसेस अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी defines a set number of targets and specify program and policies to be achieved their targets within a specified period of time. तो बच्चों, जैसा मैंने बताया आपको इस definition से समझ में ही आ गया होगा economic planning किसे कहते हैं। यह एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा central authority define करती है अपने define और set करती है अपने number of targets को, और फिर उन्हें पूरा करने के लिए क्या बनाती है, वो स्पेसिफाई करती है क्या प्रोग्राम और पॉलिसीज को बनाती है और अपने टारगेट को स्पेसिफाइड टाइम में उसे पूरा करती है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत टारगेट्स को डिसाइड करा जाता है और उसके रिलेटेड प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को बनाया जाता है और टारगेट्स को अचीव करा जाता है निर्धारित समय के अंतर्गत। ठीक है, और कौन करता है ये सारी चीजें, सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी भारत में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी या केंद्र सरकार जो होगी इस चीज को डिजाइन करती है और इस प्रक्रिया में फॉलो करती है। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, अपना नोट दे रखे हैं मैंने कुछ। आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन डज इकोनॉमिक प्लानिंग। स्वतंत्रता के बाद प्लानिंग कमीशन हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग को करता था। ठीक है, स्वतंत्रता जब तक जब नहीं थी उससे पहले तो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, उसके बाद कौन कर रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस, यहाँ पर प्लानिंग कमीशन आपके इकोनॉमिक प्लानिंग को कर रहा था। इन फेब 2015 इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। तो फरवरी 2015 में, ध्यान दीजिए बच्चों, फरवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्लानिंग, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट बाय विच द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। द थ्री बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम आर, एक देखो इकोनॉमिक सिस्टम जो है एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स को, किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। समझ में आया,
इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक प्लानिंग इसलिए करी जाती है ताकि सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो मेजर प्रॉब्लम है किसी कंट्री में उसकी इकोनॉमी में उनकी प्रॉब्लम्स को बाहर निकालने के लिए इकोनॉमिक सिस्टम को बनाया जाता है। इकोनॉमिक सिस्टम हैज अ थ्री सेंट्रल कॉन्सेप्ट, थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ठीक है, कौन कौन सी वो तीन प्रॉब्लम्स हैं जो बेसिक हैं? फर्स्ट है चॉइस ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाए, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, देश के अंदर किस तरीके की वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हो। ठीक है, दूसरी चीज है चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड, शुड प्रोड्यूसर्स यूज मोर ह्यूमन लेबर और मोर कैपिटल फॉर प्रोड्यूसिंग थिंग। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर बात आती है, तो बच्चों यहाँ पर ये सोचते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करा जाए और क्या प्रोड्यूसर्स को, क्या उत्पादनकर्ताओं को ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल करना चाहिए या किसी और कैपिटल का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि वो अपने उत्पादन को बढ़ा सके और उत्पादन को कर सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ शुड गुड्स एंड सर्विसेज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, किस तरीके से लोगों के बीच ये वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जाए। तो ये सारी चीजें, तीन सेंट्रल प्रॉब्लम थी, बेसिक तीन प्रॉब्लम है, कौन कौन सी, चॉइस ऑफ प्रोडक्शन, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट हैज टू बी कवर्ड इन इन द इकोनॉमिक सिस्टम। समझ में आया? और इकोनॉमिक सिस्टम इज अरेंजमेंट विच इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आर सॉल्व। ठीक है, इट इज एन अरेंजमेंट मैनेज्ड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इन दिस अरेंजमेंट वी सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो बच्चों जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ा, इकोनॉमिक प्लानिंग के अंतर्गत प्लानिंग जो होती है हमारे देश में दो तरीके से होती है, एक होती है डायरेक्टिव और एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव, वो मैं अभी आपको आगे समझा दूंगा कि किस तरीके से होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जो इकोनॉमिक सिस्टम का क्लासिफिकेशन कराया गया है वो तीन बेसिस पे किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इकोनॉमिक सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है, तो क्या बोला गया है यहाँ पर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट के हिसाब से, सरकार के हिसाब से इकोनॉमिक सिस्टम को तीन भागों में डिवाइड करा गया है, विभाजित करा गया है। ठीक है, पहला है सोशलिस्ट इकोनॉमिक, सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसा कि नाम से स्पष्ट है सामाजिक आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन आर टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। इसमें सभी इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड, इस सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन होते थे, जितने भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड डिसीजन होते थे, वो कौन लेता था, सरकार लेती थी। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट डिसाइडेड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ सोसाइटी, हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जितने भी डिसीजन लेती थी वो गवर्नमेंट लेती थी। और दूसरी चीज यहाँ पे बोला गया, जो चीज सोसाइटी को चाहिए, जो जिस जिन चीजों की आवश्यकता सोसाइटी यानी कि समाज को है, उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन होगा और उन्हें किस तरीके से, कितना प्रोडक्शन होगा, कैसे प्रोडक्शन होगा और किस तरीके से उन्हें उन तक पहुंचाया जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते थे इस सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत। समझ में आया? समाज से रिलेटेड, समाज की नीड के अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग करते थे, इसीलिए इसे बोला गया सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर? सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रमोट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हाउएवर इट इज ऑल्सो सफर फ्रॉम ड्रॉबैक ऑफ ब्यूरोक्रेट्स सेटअप इन द फॉर्म ऑफ रेपटेपिज्म एंड करप्शन। इन क्यूबा एंड चाइना मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर गवर्न्ड बाय द सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो हमारी ये सोशलिस्ट इकोनॉमी होती थी, ये प्रमोट करती थी कि जो इनकम हो वो सभी में बराबर बटे, यानी कि समाज का उद्धार हो और समाज में सभी लोगों को बराबर इनकम मिल पाए, यानी कि इनकम उनके पास पूरा हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती थी। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे विकास होता गया तो सामाजिक वाला, सामाजिक इकोनॉमी के कुछ ड्रॉबैक भी सामने आए। तो ड्रॉबैक क्या थे इस सिस्टम के साथ, हमारे ड्रॉबैक ये थे कि ब्यूरोक्रेट्स क्या करते थे, सबसे ज्यादा क्या करते थे, करप्शन करते थे। ठीक है, करप्शन करते थे, रेपटिज्म करते थे। रेड टेपिज्म का मतलब है ये जो पॉलिसीज बनाई जाती थी अमीरों को देख के बनाई जाती थी। ठीक है, फायदा इसमें अमीरों का ही होता था।
क्लियर पॉइंट, क्लियर हुआ? समाज के हिसाब से जरूर बना रहे हैं वो चीजें, लेकिन फायदा किसका देखते थे? क्वालिटी ऑफ गुड्स और एवरीथिंग विल बी फॉर अकॉर्डिंग टू द रिच पीपल, ठीक है। इन क्यूबा, इन चाइना, कुछ क्यूबा और चाइना जो कंट्री है, उन्होंने आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं में अपनी गवर्नमेंट ने, उनकी गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सोशलिस्ट इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स को अपनाया है। समझ में आया? कुछ पूछना होगा यू कैन, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कुछ पूछना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मेरिट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, मेरिट क्या थी? इकोनॉमी इनइक्वालिटी थी, यानी कि लोगों के पास पैसा बराबर नहीं पहुंचता था। क्लियर हुआ? लोगों के पास पैसा बराबर नहीं पहुंचता था, भले ही समाज के हिसाब से बनाई जा रही थी। इनइक्वालिटी, इक्वालिटी यानी कि समाज के हिसाब से लोगों पे पैसा यहाँ पे बराबर पहुंच रहा था। समाज की इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी कि लोगों के पास पैसा बराबर पहुंचे, ये पहली इनकी मेरिट थी। दूसरी क्या थी? ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस, समाज को ध्यान में रख के ग्रोथ करी जा रही थी एंड डेवलपमेंट करा जा रहा था, ठीक है। विकास और जो वृद्धि की दर थी वो समाज को देख के करी जा रही थी, ठीक है। डिमेरिट्स किस क्या थे इसके, सोशलिस्ट इकोनॉमी के? जीडीपी रिमेन्स एज स्लो प्रोसेसेस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जीडीपी थोड़ा स्लोली काम करती थी इस प्रोसेस में, ठीक है, क्योंकि समाज का उद्धार हो रहा था। सेकंड क्या था? नो प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा अर्न नहीं हो पाता था क्योंकि समाज के हिसाब से देख के वो इकोनॉमी को बनाया जाता था, इकोनॉमिक सिस्टम को बनाया जाता था। डेब्ट ट्रैप, ऐसी कंडीशन में लोग क्या हो रहे थे? उधारी के शिकार हो रहे थे, क्योंकि उन्हें फैसिलिटीज मिल रही थी, फैसिलिटीज मिल रही थी तो वो क्या कर रहे थे? उधार ले रहे थे और चीजों को खरीद रहे थे। समझ में आया? इनकम के लिए वो क्या कर रहे थे? उधार ले रहे थे, उधार लेके वो डेब्ट ट्रैप में फंस रहे थे। क्लियर, समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसके बाद आती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो बच्चों, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी में जो था, जितना भी प्रोडक्शन होता था, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किसी कंट्री के अंतर्गत होता था, वो एक इंडिविजुअल या प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया जाता था, और जिसको जो गाइडेड करता था प्रॉफिट इज मैक्सिमाइजेशन। देखो यहाँ पर साफ समझ में आ जाएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन विच द प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और प्राइवेट सेक्टर गाइडेड बाय द प्रॉफिट ऑफ मैक्सिमाइजेशन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिपेंड अपॉन द मार्केट फोर्स एंड डिमांड एंड सप्लाई। इट इज टाइप ऑफ इकोनॉमी ऑन दोज कंज्यूमर गुड एंड विल गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड दैट हैव गुड डिमांड इन द मार्केट एंड द यील्ड प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर्स। समझ में आया? तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंतर्गत प्रोडक्शन कौन करता था, प्रोडक्शन जो ऑन करता था वो कौन करता था? सारा सोशलिस्ट में तो गवर्नमेंट देख रेख कर रही थी सारे सारे काम काज की, सारी पॉलिसीज की, लेकिन यहाँ पर कैपिटलिज्म में प्राइवेट सेक्टर या कोई इंडिविजुअल इंसान पूरी क्या इकोनॉमी को संभाल रहा है, ठीक है। और जिनका मेन मोटो होता था कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कराया जाए, कि किसी ना किसी तरीके से, ऑब्वियसली जब इंडिविजुअल आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, तो वो क्या सोचेंगे कि सब ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करा जाए, इसमें समाज का कोई भी वेलफेयर नहीं देखा जाता था। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं हम आपका, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिपेंड अपॉन द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती थी वो मार्केट के फोर्सेज ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड की, जितना डिमांड होगा, जितना सप्लाई होगा, उसके फोर्सेस पे डिपेंड करती थी, यानी कि निर्भर करती थी, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी ओनली दोज कंज्यूमर गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड दैट हैव गुड डिमांड इन द मार्केट। इस इकोनॉमी के अंतर्गत वही चीजें मोस्टली प्रोड्यूस करी जाती थी कंट्री के अंदर जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती थी मार्केट में, ठीक है। और जिससे प्रॉफिट कौन कमाता था ज्यादा से ज्यादा, जिससे प्रॉफिट कमाया जा सके प्रोड्यूसर्स को, प्रोड्यूसर क्या करे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, ऐसी चीजों को प्रोड्यूस करा जा रहा था। फॉर एग्जांपल, कार विल बी प्रोड्यूस इफ दे आर इन डिमांड, आल्सो इफ दे कैन अर्न प्रॉफिट फॉर द प्रोड्यूसर्स। जाहिर सी बात है, ऐसी कोई भी चीज जो प्रॉफिट करेगी किसको? प्रोड्यूसर्स को, उन चीजों का उत्पादन किया जा रहा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। इन दिस इकोनॉमी द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पीपल नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। यहाँ पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा था इस इकोनॉमी के अंतर्गत, इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी जा रही थी, वो लोगों की परचेजिंग पावर को देखते हुए क्या कर रहे थे?
गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर लोगों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखा जाता था, यहाँ पर उनकी परचेजिंग पावर के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा जा रहा था। तो समझ में आया बच्चों, एक था सोशलिस्ट, एक थी कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट में समाज का वेलफेयर देख के गुड्स एंड सर्विसेज एंड पॉलिसीज को बनाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसी पॉलिसीज, ऐसी चीजें बनाई गई जिसमें क्या था, जिसमें खाली कस्टमर की परचेजिंग पावर को देखकर जिस चीज की डिमांड, गुड्स एंड सप्लाई एंड डिमांड ज्यादा होती थी, उस चीज का प्रोडक्शन किया जाता था। समझ में आया। यहाँ पर कैपिटलिज्म में प्राइवेट सेक्टर पे था जो भी ओनरशिप थी, और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी में थी वो उसकी ओनरशिप कौन, किसके अंडर में काम हो रहा था, सारा काम गवर्नमेंट के अंदर में हो रहा था। समझ में आया, वो गवर्नमेंट में, ये प्राइवेट सेक्टर में, क्लियर। नेक्स्ट आया आपकी, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए जान लेते हैं इसके कुछ नोट्स मैंने और दे रखे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जनरली मैनिफेस्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बट इट इज ऑल्सो जनरेट फास्टेस्ट ग्रोथ इन आउटपुट एंड नेशनल इनकम। तो देखो क्या हुआ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ पॉइंट्स थे कि एक तो सबसे पहली बात थी कि इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम था, लोगों के पास समान आय नहीं पहुंच पा रही थी, ठीक है। और ये ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ किस में कर रही थी, आउटपुट्स में। आउटपुट्स यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ा रहा था, ये जो भी वृद्धि कर रहा था वो किस में कर रही थी, प्रोडक्शन में कर रही थी और नेशनल इनकम में कर रही थी, नेशनल इनकम की ग्रोथ हो रही थी यहाँ पर, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अलाइजेस फायर एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। सिंपल सी बात है, ध्यान रखिए इस चीज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज लाइसेस फायर एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और लाइसेस फायर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इट एग्जिस्ट इन नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न यूरोप। आप ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो कहाँ है, नॉर्थ इकोनॉमी में, नॉर्थ अमेरिका में लगी हुई है, जापान में लगी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में लगी हुई है, वेस्टर्न यूरोप में लगी हुई है, ऐसी कंट्रीज में लगी हुई है। चलिए बच्चों जान लेते हैं हम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो पहला पॉइंट जो दे रखा है, मोर प्रोडक्शन मेरिट है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाता था। सेकेंड मेरिट था इसकी मोर प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जा सके उस चीज पे ध्यान दिया जाता था। थर्ड पॉइंट था जीडीपी इज एक्यूमुलेटेड, जीडीपी थोड़ा बढ़ गई थी इसमें, ठीक है, जीडीपी का ग्रोथ बढ़ गया था, एक्यूमुलेट हो गई थी क्योंकि नेशनल इनकम का आउटपुट बढ़ रहा था, आउटपुट बढ़ रहा था तो जीडीपी भी बढ़ रही थी। नेक्स्ट क्या था आपका, क्वालिटी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई थी। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या करेंगे, क्वालिटी, जब वो हमारे अगर मैं बात करूं क्वालिटी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अगर मशीनों से प्रोडक्ट बनेंगे तो वो उत्पादन ज्यादा देंगे और उनकी क्वालिटी भी बेटर होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं डिमेरिट्स की तरफ। तो बच्चों डिमेरिट्स जो थे, पहला डिमेरिट पॉइंट था हमारा ग्रॉस कलेक्टिव इंटरेस्ट। यहाँ पर लोगों के कलेक्टिव इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाता था। समझ में आई बात, यहाँ पर लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाता था, यहाँ पर खाली परचेजिंग पावर को ध्यान में रखा जाता था, ठीक है। ओनली मेड ऑफ रिच आर सेटिस्फाइड, जाहिर सी बात है जिनके पास पैसा है वही लोग उन चीजों को खरीद पाएंगे और उन्हीं चीजों से सेटिस्फाइड हो पाएंगे, क्लियर। थर्ड पॉइंट था ग्रोथ विदाउट सोशल वेलफेयर, ग्रोथ तो थी लेकिन किसको, विदाउट सोशल वेलफेयर, बिना सामाजिक विकास के, क्लियर। समझ में आया सर? तो आई थिंक मेरे हिसाब से कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट आपको इकोनॉमी समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट इकोनॉमी की ओर, जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट साइड बाय साइड। तो बच्चों यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर, जैसा कि आपने यहाँ पर इस इकोनॉमिक सिस्टम में क्या है, यहाँ पर ओन कौन करता था, गवर्नमेंट भी करती थी और प्राइवेट सेक्टर, दोनों मिलकर कुछ इकोनॉमी को संभालते थे, इकोनॉमिक सिस्टम को संभालते थे। समझ में आया? तो यहाँ पर दोनों आपस में जुड़ गए, पब्लिक सेक्टर और आपका प्राइवेट सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों आपस में जुड़ गए और उन्होंने इकोनॉमी को संभाला। इन दिस इकोनॉमी द मार्केट विल बी प्रोवाइडर व्हाट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल, एंड द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच द मार्केट फेल टू प्रोवाइड, ठीक है। इसमें क्या करता था, इस इकोनॉमी सिस्टम में मार्केट के हिसाब में लोगों की जो चीज थी, जो जरूरत की चीजें थी, उन्हें उनको देने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस करा जाता था, ठीक है।
ऐसी चीजें, ऐसी आवश्यक चीजें जो मार्केट में आसानी से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, उसे गवर्नमेंट आसानी से प्रोडक्शन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती थी, चाहे वो प्रोडक्शन पब्लिक सेक्टर करे चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर करे, लेकिन जरूरत की चीजें लोगों तक पहुंच रही थी। समझ में आया? मिक्स इकोनॉमी, मोस्टली देशों में मिक्स इकोनॉमी ही अडॉप्ट करी हुई है। ठीक है, तो मेरिट ऑफ मिक्स इकोनॉमी देखते हैं। ठीक है, चलिए, मिक्स इकोनॉमी गिव्स प्रॉपर स्कोप टू द प्राइवेट इंडिविजुअल टू कोएग्जिस्ट एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मिक्स इकोनॉमी जो करती थी वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, और जो हमारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो लोग रह रहे हैं हमारी कंट्री में, पहले से ही रह रहे हैं, और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों मिलकर काम करते थे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना योगदान प्रदान करते थे। समझ में आया? यानी कि पब्लिक सेक्टर भी काम करता था और प्राइवेट सेक्टर भी काम करता था। ठीक है, दोनों मिलकर आर्थिक व्यवस्था का विकास कर रहे थे। क्लियर? इन दिस प्लांट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड बैलेंस डेवलपमेंट। इस इकोनॉमी के अंतर्गत जाहिर सी बात है ये इंश्योर करा जाता था कि विकास में स्टेबिलिटी और बैलेंस बना रहे। ठीक है, कि स्थिर रूप से विकास होता रहे, ये नहीं कि आपका विकास रुक गया। क्लियर? इन दिस कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इज देयर, दिस लीड्स टू इनहांस प्रोडक्टिविटी। देखो, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया और ये मिक्स इकोनॉमी आई, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों के बीच में कंपटीशन बढ़ गया, और कंपटीशन होने के साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी में भी इन्हांसमेंट आया, यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, दोनों अपने सेक्टर पे काम तेजी से करने लगे और अच्छा क्वालिटी वाइज काम करने लगे। आपने देखा होगा, आप जहां जहां पब्लिक सेक्टर के साथ साथ, जैसे कि बैंक्स, आपने देखा होगा बैंक्स में भी आजकल प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्व हो गए हैं। जब से ये प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आ गया है तब से वहाँ की फैसिलिटीज अच्छी मिलने लगी है, क्वालिटीज अच्छी मिलने लगी है। इसी तरीके से आपने रेलवे भी सुना होगा कि रेलवे भी अब प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, जैसे कि मेट्रो प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, गवर्नमेंट भी हैंडल करती है और प्राइवेट हैंडल करता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन देते हैं, इसी कारण वो एक दूसरे को अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर्स को। समझ में आया? तो ये मिक्स इकोनॉमी का एक एग्जांपल था जो मैं आपको समझा रहा था, और ये मेरिट्स है आपके मिक्स इकोनॉमी के। क्लियर? तो बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। डिमेरिट्स ऑफ मिक्स इकोनॉमी। तो बच्चों जहां तक अभी हमने मेरिट पढ़े थे, अब आगे आ जाते हैं डिमेरिट्स ऑफ मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी कैन नॉट इफेक्टिवली कंट्रोल द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट प्रीव्यू। तो सिंपल सी बात है, ऐसी कोई सी भी इकोनॉमी जो कंट्रोल हो रही है प्राइवेट सेक्टर द्वारा, उसको गवर्नमेंट प्रीव्यू नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर रहा है उसे इफेक्टिवली प्रीव्यू नहीं कर सकता, देख नहीं सकता कौन? गवर्नमेंट। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज अ रेप्टिज्म एंड हाई डिग्री ऑफ करप्शन। और यही कारण है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ करप्शन देखा जाता है। सबसे ज्यादा ड्रॉबैक इसका यही है कि हाई डिग्री ऑफ करप्शन पाया जाता है मिक्स इकोनॉमी में। ठीक है, इन इट देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स। आपको सभी पता है कि यहाँ पर जितनी भी पावर्स होती हैं इकोनॉमी की या किसी भी चीज से रिलेटेड, वो किसके हैंड में होती है? इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर होती है। ठीक है, या फिर पॉलिटिशियंस के हाथ में होता है या फिर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होता है, जनता के हाथ में यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। समझ में आया बात? मिक्स इकोनॉमी में कोई भी इकोनॉमिक पावर से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब किसके हाथ में है? पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, और जिस कारण सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है यहाँ पर? करप्शन देखा जाता है। समझ में आया बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एग्रीकल्चर, इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू द कल्टिवेशन ऑफ लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स। तो ऐसी सारी एक्टिविटी जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड से रिलेटेड होती हैं और उत्पादन करती हैं किसी भी क्रॉप्स का, फूड क्रॉप्स का या नॉन फूड क्रॉप्स का, वो खेती के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ऐसी कोई सी एक्टिविटी जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड से रिलेटेड होती हैं, यानी कि जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड से रिलेटेड होती हैं
उन सभी को एग्रीकल्चर के अंतर्गत लिया जाता है, जिसमें हम उत्पादन करते हैं किसका, फसल का, किसी किसी खाने वाली फसल का, खाने वाली चीजों की फसल का, या फिर नॉन खाने वाली चीजों की फसल का, जैसे रुई। ठीक है, तो नॉन फूड क्रॉप्स फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। अब जान लेते हैं बेटा इंडियन इकोनॉमी के क्षेत्र में इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर का। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो जितनी भी मोस्ट ऑफ द इनकम्स होती है वो किसमें कौन कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 10th में, जब सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ा होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग के यहाँ पर सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, ऐसी चीजों का निर्माण किया जाता है जिससे कि रॉ मटेरियल, जैसे कि रॉ मटेरियल, ठीक है, जिससे फिनिश गुड्स तैयार हो रही है, फिनिश गुड्स के लिए यहाँ पर सप्लाई की जाती है, फिनिश गुड्स के लिए रॉ मटेरियल का सप्लाई यहीं से जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में, एम्प्लॉयमेंट लोगों को एग्रीकल्चर क्षेत्र से मिलती है। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, जितना भी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल होता है सब यहीं से जाता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, ऑब्वियसली है एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा योगदान इंटरनेशनल ट्रेड में भी है, जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड भी है, घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान एग्रीकल्चर क्षेत्र का है। फिर उसके बाद क्या है, वेल्थ ऑफ द नेशंस, वेल्थ ऑफ द नेशंस यानी कि देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में जितना भी धन आता है उसका 75% एग्रीकल्चर सेक्टर से जाता है। समझ में आया बात? ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर से इसलिए जाता है क्योंकि 75% ऑफ आवर पॉपुलेशन, आज के समय में तो 55 हो चुकी है बच्चा, लेकिन पुराने समय में ये 75% थी, जो कि लोग किससे जुड़े हुए थे, अपनी मेन इनकम के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए थे, जिस कारण जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका जाता था, एग्रीकल्चर सेक्टर का। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स क्या थी इंडियन एग्रीकल्चर की, लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन, जाहिर सी बात है खेतों को परमानेंट सोर्सेस से क्या नहीं मिल पाता था, सिंचाई के साधन नहीं मिलते थे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस से, फाइनेंस यानी कि फाइनेंस, सबसे ज्यादा फाइनेंस की कमी रहती थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, लोगों के पास पैसा नहीं होता था, फार्मर्स खेती नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता था और पैसा उनके पास होता नहीं था। कन्वेंशनल आउटलुक, लोगों के अपने रूढ़िवादी दिमाग थे जिस कारण इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, जो क्षेत्र थे बहुत स्मॉल और स्कैटर्ड रखे हुए थे, संकुचित थे और लिमिटेड रखे हुए थे, संगठित थे। ठीक है, ऐसे ऐसी जगहों पर जहां पर गांव होते थे आपने देखा होगा, वो क्या करते थे, क्षेत्रों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते थे, और जिस कारण खेती, हर कोई किसी चीज की खेती करता था, कोई किसी चीज की खेती करता था। ठीक है, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, और इंडियन एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था वो था लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम बहुत खराब था यहाँ पर, इसी कारण इंडियन एग्रीकल्चर उतना आगे बढ़ नहीं पाता था। थर्ड था, लास्ट आपका था वेल्थ ऑफ द नेशंस, और वेल्थ ऑफ द नेशंस यहाँ पर बहुत वीक थी क्योंकि इन लोगों तक पैसा नहीं पहुँच पा रहा था, फार्मर्स पर हमारे पास पैसा नहीं पहुंच पा रहा था। समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम्स थी, इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बताई, तो ये आपकी कुछ प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या क्या जरूरतें थी जिसके कारण रिफॉर्मेशन आया और डेवलपमेंट हो किसका, इंडियन एग्रीकल्चर का। तो पहला था टेक्निकल रिफॉर्म होने, ठीक है, टेक्निकल रिफॉर्म में क्या करना था, यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज करना चाहिए था उन्हें, जितने भी फार्मर्स थे उन्हें हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज करना था। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स करना आना चाहिए था फार्मर्स को। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ग्रामीण क्षेत्रों में साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट के थ्रू क्या देनी चाहिए थी उन्हें, प्रैक्टिस देनी चाहिए थी, नॉलेज देनी चाहिए थी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। मैकेनाइज्ड मीन ऑफ कल्टीवेशन, और खेतों को जोतने के लिए बैलों का यूज ना करते हुए मशीनों का यूज करना चाहिए था, ठीक है, मशीनों को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था, यानी कि टेक्निकल रिफॉर्म से मतलब ये था उनका। ठीक है, जिसके कारण प्रोडक्शन इंडियन एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ सके। नेक्स्ट था आपका लैंड रिफॉर्म्स, लैंड का रिफॉर्म कैसे किया जा सके, लैंड के रिफॉर्म में क्या था, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी,
फालतू की चीजों के और बीच बचाव में पड़ने वाले दलाल लोगों का अबाइलेशन करना था, ठीक है। सेकंड था रेगुलेशन ऑफ द रेंट, रेंट जो था किसी, अगर किसी लैंडलॉर्ड के पास रेंट था, कोई किसी ने लीज पे जमीन ले रखी थी तो उसका रेगुलेशन होना बहुत जरूरी था, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, सभी चीजों का कंसोलिडेशन होना यानी कि एकीकरण होना बहुत जरूरी था, ठीक है। सारे खेतों का एकीकरण होना बहुत जरूरी था। सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग, जो हमारे लैंड थे उन पर सीलिंग लगाना यानी कि एक लिमिटेड क्षेत्र में इतना प्रोडक्शन होना है, उनको एक कैपिंग देना, ये भी होना बहुत जरूरी था। कोऑपरेटिव फार्मिंग और एक दूसरे को सहायता प्रदान करना, किसमें? फार्मिंग में, तभी हमारी इंडियन एग्रीकल्चर का विकास हो सकता था, ठीक है। देन उसके बाद आया जनरल रिफॉर्म। जनरल रिफॉर्म में क्या था बेटा? एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी यानी कि सिंचाई व्यवस्थाओं को बढ़ाना, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्थाओं को बढ़ाना। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट्स, लोगों को खेतों में, जैसे हमारे फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स को क्रेडिट्स प्रोवाइड कराना ताकि आसानी से उनको पैसा मिल सके, तो उनके लिए प्रावधान बनाना भी इसके अंतर्गत आ जाता था। रेगुलेटेड मार्केट, मार्केट को रेगुलेट करना, कितनी डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई को जगह जगह पहुंचाना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता था। फिर प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, प्राइस जो होते थे, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी का मतलब था यहाँ पर कि इंडियन एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत ऐसी इकोनॉमी आनी चाहिए थी जिससे कि प्राइस जो है फ्लक्चुएट ना करें, किसानों को उनका हक मिल सके और किसानों को हर जगहों पर एक सा रेट मिल सके, प्राइस स्टेबिलिटी आ जाए, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मार्केटेबल सरप्लस, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में मार्केटेबल सरप्लस किसे कहते हैं। इट रेफर्स टू द सरप्लस ऑफ फार्मर्स आउटपुट ओवर अबव हिज ओन फार्मिंग कंजप्शन, यानी कि जो वो अपने खेत में जो कर रहा है, जितनी भी टोटल प्रोडक्शन हुई है उस टोटल प्रोडक्शन में से उसकी अपनी जो अपने फार्म की कंजप्शन है, जितना फार्म में लग रहा है या उनके अपने फार्म लेबरर को वो दे रहा है, उसकी कंजप्शन को जो हटा देते हैं तो जो टोटल आउटपुट में से बचता है उसे हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। दस मार्केटेबल सरप्लस ऑफ वीट, मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है हमने, मार्केटेबल सरप्लस ऑफ वीट इक्वल टू आउटपुट ऑफ वीट माइनस ऑन फार्म कंजप्शन ऑफ वीट। समझ में आया बच्चों? यानी कि टोटल प्रोडक्शन जितनी भी हुई है उसमें से अगर हम माइनस कर दें ऑन फार्म कंजप्शन जो कि गेहूं की हुई है, तो टोटल गेहूं में से जितना भी गेहूं अगर किसी खेत में हुआ है, उस खेत में से जो लोकल फार्मर्स हैं, उन फार्मर्स जो काम कर रहे थे उनको जो गेहूं दिया गया, उनको हटाने के बाद जो बचता है, जो मार्केट सरप्लस बचता है वीट्स का, उसको हम यहाँ पे बोला गया मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस इसलिए बोला गया क्योंकि वो एक्स्ट्रा मटेरियल को मार्केट में जाके वो सेल कर सकता है। समझ में आया बच्चा? तो फार्मर्स इस तरीके से मार्केटेबल सरप्लस को सेल करते थे। नेक्स्ट था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। इट स्टार्टेड इन इंडिया ईयर्स 1967 एंड 68। In the year of 1967 and 68 itself, food grain production increased by nearly 25%. तो जैसा कि आपने देखा होगा कि हरित क्रांति जो कि 1967 और 1968 में आई थी, तो आपने देखा होगा प्रोडक्शन जो था नियरली इंक्रीज कर गया था, कितना? 25% से। जो प्रोडक्शन थी, टोटल प्रोडक्शन खेत की, वो कितनी बढ़ गई थी? पूरी इंडिया की 25% बढ़ गई थी। सो मच इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन द कंट्री विच अर्लियर यूज्ड इन इंपोर्ट फूड ग्रेन्स। तो आपने देखा 67 एंड 68 में आपने देखा होगा क्योंकि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा था हमारे इंडिया में फूड ग्रेन्स का, तो इसी कारण हमारा देश क्या कर रहा था, उन चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि हमारा, अगर आप ईफ ऑफ इंडिपेंडेंस में आपने पढ़ा हो तो हम क्या कर रहे थे, फूड ग्रेन्स को हमें क्या करना पड़ रहा था, इंपोर्ट करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स थे, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया हम उन चीजों को एक्सपोर्ट करते रहे, क्लियर। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का क्या रोल था इंडियन इकोनॉमी में? इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड कराती थी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में? क्या कराती थी? एम्प्लॉयमेंट, यानी कि काम दिलाती थी लोगों को। कैसे काम दिलाती थी? इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल यूज होता था वो कहाँ से आता था? एग्रीकल्चर सेक्टर से। और जब इंडस्ट्री में किसी रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्हें क्या चाहिए? लोगों का होना बहुत जरूरी है। तो इसी कारण इंडस्ट्री जो थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट इन
एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, और यही कारण था जो कि हमारा इंडस्ट्रीज क्या कर रही थी, मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट कर रही थी और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट कर रही थी। अब मॉडर्नाइजेशन के बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि मॉडर्नाइजेशन कहते किसे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज आर एज फॉलोज। इंडियन इकोनॉमी के क्षेत्र में इंडस्ट्रीज का क्या महत्व था वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, धीरे धीरे समय के साथ साथ इंडस्ट्रियों का भी विकास हुआ और स्ट्रक्चर में भी विकास हुआ, यानी कि मशीनों का इम्पोर्ट होना चालू हो गया, नए मैकेनिज्म आने चालू हो गए, ठीक है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, भाई इंडस्ट्रीज जब डेवलप्ड हुई तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुए, ठीक है। सोर्स ऑफ मैकेनिज्ड मीन ऑफ फार्मिंग, जाहिर सी बात है जैसे जैसे रॉ मटेरियल की डिमांड ज़्यादा होने लगी, क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी पहले समय में, धीरे धीरे उसका विकास फार्मिंग के क्षेत्रों में भी होने लगा। जैसे आज जो अगर खेत जोतने का काम किया जाता है वो ट्रैक्टर से किया जाता है, ठीक है, आपने मशीनरीज आ गई हैं वहाँ पर जो कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में यूज होती है, ठीक है। इम्पार्ट डायनेमिज्म ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, जो हमारा ग्रोथ प्रोसेस हो गया वो डायनेमिक हो गया है इंडस्ट्रीज के कारण, ठीक है। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का विकास होने लगा है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, समय के साथ साथ इंडस्ट्री के कारण ही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहे हैं और उनका विकास भी हो रहा है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। बेटा 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, ठीक है, जिसके तीन मेन ऑब्जेक्टिव थे, तीन फोल्ड क्लासिफिकेशन थे इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग होती थी, इंडस्ट्रियल शॉप्स होती थी, ठीक है। तो ये क्या था, यहाँ पर हमारी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग होती थी, इंडस्ट्रियल शॉप्स बनती थी, जैसे कोई कंपनी है और कंपनी की अपनी शॉप्स तैयार होती थी। ये शॉप्स नहीं है बेटा, यहाँ पर शॉप्स है, शॉप्स का मतलब है यानी कि दुकानें खोल दी जाती थी इंडस्ट्री द्वारा, और उनसे जैसे कि आपने देखा होगा इंडस्ट्री क्या है, हीरो का आपने देखा होगा प्लांट क्रिएट हो जाता है और प्लांट ने रिटेलिंग शॉप भी खोली हुई है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग है, ठीक है, फैक्ट्री भी खोली हुई है, समझ में आया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग भी होती थी, उसका ब्रांडिंग उसका लाइसेंस उसी के पास रहता था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। प्राइवेट सेक्टर, इट वॉज असाइंड ओनली ऑन सेकेंडरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। समय के साथ साथ जैसे जैसे विकास हुआ, आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर ने अपना रोल इंडस्ट्री के क्षेत्र में बढ़ा दिया, ठीक है। देखो, इट वॉज असाइंड ओनली अ सेकेंडरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर का इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज लगाई गई वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा लगाई गई, ठीक है। तो इन प्राइवेट सेक्टर्स को इंडस्ट्रीज जो लगाने वाली कंपनियां थी, उन्होंने जब लगाया तो इन्हें इसके लिए क्या लेना पड़ता था, एक परमिशन लेनी पड़ती थी, एक लाइसेंस लेना पड़ता था, किससे, गवर्नमेंट से, ठीक है। किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट कंपनी को लगाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, समझ में आया। नेक्स्ट आपका आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दीज वर अकॉर्डिंग्स अ हाई प्रायोरिटी विद द व्यू ऑफ प्रमोटिंग द गोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, जो छोटे घरेलू उत्पाद का जो उत्पादन किया गया या उनको बढ़ावा दिया गया या उनका विकास किया गया, किसी भी इकोनॉमी के अंतर्गत अगर किया जाता है तो इसलिए किया जाता है कि अपने देश में या उस देश के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जाए और लोगों में इनकम की इक्वालिटी प्रोवाइड करी जाए, इक्विटी प्रोवाइड की जाए, समझ में आया बात, ठीक है। तो इसमें पहली प्रायोरिटी ये रहती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की, कि इनका मेन उद्देश्य यह है कि लोगों में एम्प्लॉयमेंट और इनकम में इक्वालिटी आई जाए, लाई जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंडियन इकोनॉमिक सेगमेंट में इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा महत्व है। भारत में इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या महत्व है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी इन कॉल्ड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ट्रेड्स की स्ट्रेटेजी को बाहर से इंडिया में लाना ताकि कंपटीशन क्रिएट हो सके, सब्स्टिट्यूशन का लाना
ताकि क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छी हो सके, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके, क्वालिटी अच्छी मिल सके, बेहतर हो सके, इन चीजों के लिए हम लोगों ने क्या करा, किसी भी देश ने इकोनॉमी में अपने देश के अंतर्गत सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लाना चालू कर दिया। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया अटेन इट्स फ्रीडम। हम जानते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज़ादी हमें कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 में मिली थी। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस नेहरू एंड मेनी अदर लीडर डिसाइडेड टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट विल प्रूव बेनिफिशियल फॉर इंडिया इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद इक्विटी, मिक्स इकोनॉमी वॉज इंट्रोड्यूस एज इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया। तो 1947 के बाद जैसे जैसे नेहरू और अदर लीडर्स जो हमारी कंट्री के थे, उन्होंने डिसाइड करा कि इकोनॉमिक सिस्टम को बेनिफिटेड करने के लिए उन्होंने क्या करा, एक पॉलिसी डिसाइड करी और इकोनॉमिक सिस्टम को डिसाइड करा। तो उन्होंने क्या करा, मिक्स इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करा कंट्री के अंदर, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत मिक्स इकोनॉमी ली गई, जिसके अंतर्गत मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव जो रखा गया, ग्रोथ और इक्वालिटी रखा गया, ग्रोथ विद इक्विटी, यानी कि सभी को समान रूप से विकास के तौर पे उन्होंने क्या करा, मिक्स मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बच्चों कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। प्लानिंग कमीशन डिफाइंस इकोनॉमिक प्लानिंग एज अ इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज। देश के विकास को देखते हुए, देश की जरूरतों को देखते हुए, देश में होने वाले साधनों को पर्याप्त तौर पर यूटिलाइज करना ही इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन ने जो डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक प्लानिंग की, यानी कि आर्थिक परियोजना की, जो एक, अगर मैं बात करूं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो थी, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने एक डेफिनेशन दी इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश के अंदर देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उपलब्ध साधनों का पर्याप्त उपयोग ही इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है, यानी कि आर्थिक नियोजन कहलाता है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये आपकी समझ में आ जाएगा, अगर आप सिंपल वर्ड्स में पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये डेफिनेशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अ प्लान इज, व्हाट इज अ प्लान, प्लान किसे कहते हैं। अ प्लान स्पेल आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ नेशन शुड बी एफिशिएंटली यूटिलाइज। प्लानिंग का मतलब है कि कैसे कंट्री, किसी देश में होने वाले रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज कंट्री के अंदर अवेलेबल हैं, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सके, पर्याप्त मात्रा में यूटिलाइजेशन उनका हो सके। इट शुड हैव सम जनरल गोल्स विच आर अचीव थ्रू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो जाहिर सी बात है प्लानिंग के अंदर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इट हैज अ स्पेसिफाइड गोल्स, स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं जिन्हें अचीव करने के लिए सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में हमें फॉलो करना पड़ता है। टू फॉर्मुलेट प्लान्स, प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप In 1950s, under the chairmanship of Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Independent India, तो Planning Commission जो setup किया गया, वो Indian आपका 1947 के बाद तो आ गया था, लेकिन introduce जो chairmanship आई, वो जब आई आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पे, और उस समय पे Planning Commission को setup करा गया 1950 में, ठीक है। It aims was to promote rapid rise in standard living of people, increase production and offer employment opportunity in India. जिसका main objective ये था, planning commission का main object ये था कि किसी ना किसी तरीके से देश के अंदर तेजी के साथ क्या कराया जा सके, employment को create करा जाए ज़्यादा से ज़्यादा, उनके living standard को बढ़ाया जाए, यानी कि उनके जीवन निर्वाह स्तर को बढ़ाया जा सके, और पॉपुलेशन को इंक्रीज करा जाए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करा जाए, सॉरी पॉपुलेशन नहीं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करा जाए। किस तरीके से प्रोडक्शन को इंक्रीज करा जाए और अपॉर्चुनिटीज दी जाए, किस में, भारत में। टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक प्लानिंग 5-year प्लान वाज फॉर्मुलेटेड, और इसी को ध्यान में रखते हुए समय के साथ साथ 5-year प्लानिंग को, 5-year प्लानिंग का गठन किया गया, ठीक है। 5-year प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस इन अप्रैल 1951। फाइव ईयर प्लानिंग जो स्टार्ट हुई 1951 में स्टार्ट हुई बच्चों, ठीक है। इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे आगे,
ऑल द 5 ईयर प्लानिंग आर फॉर्मुलेटेड कीपिंग द बिलो ऑब्जेक्टिव इन माइंड। जितने भी 5 ईयर प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती थी हमारे देश में, एक थी शॉर्ट टर्म प्लानिंग और एक थी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो जितने भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी उनके अंतर्गत शॉर्ट टर्म प्लानिंग को रखा जाता था, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के बेस पे ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनती थी, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पे 5 ईयर प्लानिंग को क्या करा जाता था, ऑब्जेक्ट्स को माइंड में रखते हुए एक इकोनॉमी के प्लानिंग को डिसाइड करा जाता था, पॉलिसीज को डिसाइड करा जाता था। क्लियर हुआ? यानी कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती थी 5 ईयर की होती थी, लेकिन उसके अंतर्गत भी छोटे छोटे गोल्स और छोटे छोटे प्लान्स रखे जाते थे। समझ में आया? उनको अचीव करा जाता था और तब जाके आपका 5 ईयर प्लानिंग लॉन्ग ईयर प्लानिंग की आपकी लॉन्ग ईयर प्लानिंग की जाती थी। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती थी जिसे हम 5 ईयर प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं। तो 5 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला है ग्रोथ। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट एंड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री। इट इम्प्लाइज एदर अ लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिव सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग। ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग का ज्यादा से ज्यादा विकास करा जा सके ताकि इसके अंतर्गत किसी भी कंट्री के अंतर्गत क्या ग्रोथ का मतलब यहाँ पे बोला गया कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा जाए ताकि किसी कंट्री का विकास हो सके। ठीक है, कंट्री में जितनी कैपेसिटी है उससे अधिक मात्रा में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा जाए ताकि सपोर्ट मिल सके कंट्री की जीडीपी को और लोगों का विकास हो सके। समझ में आया? और जितना ज्यादा स्टॉक बनेगा उतना ही ज्यादा सपोर्टिंग सर्विसेज को बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन और बैंकिंग सिस्टम। समझ में आया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था आपका मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है अडॉप्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला, अडॉप्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। इट इज डन विद इन अ एम ऑफ इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन द फार्म बाय यूजिंग न्यू सीड्स वेराइटी इंस्टेड ऑफ using the old ones. Modernization refers to not only the changes in production method but also change in the social outlook of a society by granting equal status of women, making use of their talent in productive process. Modernization का मतलब बेटा new technology को लेना तो था ही था, साथ के साथ वो इन technology के साथ साथ अपने production goods अपने goods and services का production को increase करना उनका main motto था मॉडर्नाइजेशन से। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई फार्मर्स पुराने बीजों का इस्तेमाल कर रहा है तो उनकी जगह उन्होंने नई टेक्नोलॉजी के लिए नए तरीके के बीज दिए गए उन्हें, जिन्हें हाई यील्ड वैरायटी सीड्स बोला गया। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उत्पादन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल यही दिया गया कि फार्मर्स से पुराने बीज की जगह उन्हें कौन से बीजों का यूज़ करना चाहिए अपनी फसलों पे, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज करना चाहिए था जिससे कि उनका प्रोडक्शन बढ़ सके। मॉडर्नाइजेशन का मतलब यहाँ पर जो था कि प्रोडक्शन के मेथड को ही चेंज नहीं करना है बल्कि समाज के विकास को भी, सामाजिक विकास को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और वुमेन्स को भी बराबर बराबर सपोर्ट देना है, बराबर उन्हें हक देना है ताकि वो भी अपने टैलेंट को शो करके प्रोडक्टिव स्किल्स को बढ़ा सके। ठीक है, और अपने देश की जीडीपी में अपना योगदान प्रदान कर सके। क्लियर, समझ में आया मॉडर्नाइजेशन? चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंक्रीज इन जीडीपी इज गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ different sector of an economy by a primary sector, secondary sector and tertiary sector during an year and domestic tertiary of a country. बेटा आपको साफ पता है, आपने 10th में भी पढ़ा है, जीडीपी किसे कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन विच इज टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री विद इन अ ईयर, इट इज कॉल्ड अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, किसी कंट्री के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टोटली तीनों सेक्टर से एक निर्धारित समय में एक साल के अंतर्गत तैयार की जाती है उसको हम बोलते हैं जीडीपी। तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका कैसे विकास करा जाए, जीडीपी का विकास कैसे करा जाए, इसके इंडिकेटर को ध्यान में रखा जाता था। समझ में आया?
तो पहली थी ग्रोथ, दूसरा था आपका मॉडर्नाइजेशन, तीसरा था इंक्रीज इन जीडीपी, चौथा है यहाँ पे सेल्फ सफिशियंसी। सेल्फ सफिशियंसी का मतलब है एन नेशनल कैन ए नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज और बाय यूजिंग रिसोर्सेज इंपोर्टेड फ्रॉम अदर नेशंस। द फर्स्ट 7-5 years प्लान्स गेव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस बाय अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स। This policy was considered as a necessity in order to reduce the our dependence on foreign countries, especially for the foods. तो बच्चों यहाँ पर जो ध्यान दिया गया सेल्फ सफिशियंसी का मतलब है आत्मनिर्भर। जैसे कि आज आपने आप कुछ समय पहले मोदी जी को सुना होगा, तो मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो ताकि आपके देश का विकास हो सके। तो वैसा ही यहाँ पर बोला गया कि पहले जो 5 year पहले जो 7-5 year प्लान बनाए गए थे उनका मेन मोटो सेल्फ सफिशियंसी सेल्फ रिलायंस बनाना था ताकि इम्पोर्ट को रोका जा सके। ठीक है, हमारे देश में इम्पोर्ट को रोका जा सके, हमें कोई भी चीज़ बाहर से इम्पोर्ट ना करनी पड़े, हम अपनी चीज़ें खुद बनाएं। ठीक है, जिससे कि कंट्री की जीडीपी को फायदा हो और कंट्री का आर्थिक विकास हो सके। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इक्विटी। इक्विटी में क्या बोला गया, इट refers to reduction in disparity of income and wealth by uplifting weaker sections of the society. तो यहाँ पर equity का मतलब है equal income distribution. Equal income distribution मतलब यहाँ पर जो कहा गया कि weaker section को भी समाज में उठाना, उनको बराबर क्या देना, wealth provide कराना, उनकी disparity को खत्म करना, आय की जो disparity है उसको खत्म करना ही इसका मेन मोटो था इक्विटी का। ठीक है, तो किसी भी प्लानिंग कमीशन को या किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत जब हम लेते हैं डिसीजन, तो ये 5 points लेते हैं। एक तो पहला रहते हैं हम ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट, सेकंड था आपका इंक्रीज इन जीडीपी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशियंसी और इक्विटी। इक्विटी का मतलब है इक्वालिटी इन इनकम। ठीक है, सारे सेक्शन जितने भी सेक्शन है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, सबको बराबर उनके हिसाब से पैसा प्रोवाइड हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर शुड बी इक्वली। ठीक है, बराबर उनको पैसा मिले, उनकी बेसिक नीड पूरी हो, उनको डिसेंट हाउस मिल सके, उनको हेल्थ केयर अच्छा मिल सके, उनको एजुकेशन अच्छी मिल सके, यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक इकोनॉमिक सिस्टम को डिसाइड करा जाता है। चलिए, महालनोबिस एन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। प्रशांत चंद्रा महालनोबिस वॉज बॉर्न इन 1893 इन कैलकटा। ही वॉज एजुकेटेड एट प्रेजिडेंसी कॉलेज इन कैलकटा एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिए, एक व्यक्ति थे जिनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी इंडियन प्लानिंग में, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग में, जिनका नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था 1893 में कलकत्ता में हुआ था। इनकी एजुकेशन जो हुई प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में हुई, और उसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन को ग्रहण करा। ठीक है, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स ब्रॉट हिम द इंटरनेशनल फेम। और उनका जो योगदान था स्टेटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी के क्षेत्र में, उन्हें वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया उन्होंने। ठीक है, इन 1946 He was made a full fellow member of Britain Royal Society, one of the most prestigious organization of the scientist. 1946 में उन्हें ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी का एक मेंबर बना लिया गया, क्योंकि उनका नाम इतना फेमस हो गया था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के क्षेत्र में कि उन्हें 1946 में ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी ने अपना मेंबर बना लिया, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिस्ट। जो कि क्या थी, सबसे ज्यादा फेमस ऑर्गेनाइजेशन थी साइंटिस्ट की कैटेगरी में। महालनोबिस एस्टैब्लिश्ड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कैलकटा। इन्होंने ही ISI इंस्टीट्यूट को कैलकटा में स्थापित करा। स्टार्टेड अ जर्नल एंड संख्या, और इन्होंने ही जर्नल और संख्या का प्रारंभ करा। जर्नल मतलब अकाउंट्स को बनाना चालू करा और रिकॉर्ड को कीप करना चालू करा, आंकड़ों को एकत्र करना चालू करा। ठीक है, महाबोलिस हैज कंट्रीब्यूटेड लॉट ऑफ फॉर्मेशन इन आर 5 year प्लानिंग। हमारे देश की जो 5 year प्लानिंग है उनमें सबसे ज्यादा योगदान जो दिया है महालनोबिस ने
दिया है महालनुबोनिस, ठीक है। इनका पूरा नाम था प्रशांता चंद्रा महालनुबोनिस, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे महालनुबोनिस जिन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया किसके क्षेत्र में, हमारे इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग के क्षेत्र में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सेकंड प्लान, द सेकंड प्लान बिकम इन द लैंडमार्क ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द सेकंड प्लान पीरियड। महालनुबोनिस इनवाइटेड मेनी डिग्निटरीज और डिस्टिंगाइज्ड इकोनॉमिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड टू एडवाइज हिम ऑन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंड प्लान, पहला प्लान तो उन्होंने सेटलमेंट करा, फिर आंकड़ों को एकत्रित करना चालू करा 1946 में। उसके बाद 1946 के बाद जब सेकेंड प्लान जब आया, सेकेंड फाइव ईयर प्लानिंग आया, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, उन्होंने कई इकोनॉमिस्ट को बुलाया जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनको बुलाया, और जो बाहर के थे अब्रॉड के थे उन इकोनॉमिस्ट को यहाँ इंडिया में बुलाया, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या मांगी, एडवाइस मांगी, ठीक है। सम ऑफ दीज इकोनॉमिस्ट बिकेम नोबेल प्राइज विनर लेटर, और धीरे धीरे समय के साथ साथ इनमें से कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला बाद में, विच शोज दैट ही कुड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल विद द टैलेंट, और जिसमें ये पता चला कि हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल टैलेंट्स हैं जिनका सांख्यिकी के क्षेत्र में और हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। मेनी इकोनॉमिस्ट टुडे रिजेक्ट द अप्रोचेस टू प्लानिंग फॉर्मुलेटेड बाय महालनुबोनिस, बट ही विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन पुटिंग इंडिया ऑन द रोड ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड स्टैटिशियन कंटिन्यू टू प्रॉफिट फ्रॉम हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैटिकल थ्योरी। देखो बच्चों, समय के साथ साथ जैसे विकास होता गया, कुछ इकोनॉमिस्ट ने अपने अप्रोच, अपने सिद्धांतों के अनुसार महालनुबोनिस से एग्री नहीं करते हैं, वो उनसे डिसएग्री करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा देश हमेशा महालनुबोनिस के योगदान को याद रखेगा, क्योंकि उन्होंने जो इकोनॉमिक के क्षेत्र में यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और सांख्यिकी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हुआ इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, लिस्ट ऑफ फाइव ईयर प्लानिंग। बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ फाइव ईयर प्लानिंग दिए हैं, 13 के 13 जो हमारे देश में अभी तक चल रहे हैं, जो अभी जो चल रही है हमारी 13th फाइव ईयर प्लानिंग चल रही है। तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लानिंग में क्या है, 1951 से 1956 के बीच हुई थी ये हायर एजुकेशन। इसका मेन मोटो और मेन ऑब्जेक्टिव जो था, हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर था। पहली जो हमारी फाइव ईयर प्लानिंग थी उसमें मेन फोकस जो रखा गया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे रखा गया, हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड ईयर फाइव ईयर प्लानिंग, जो सेकेंड फाइव ईयर प्लानिंग थी 1956 से 61 के बीच हुई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर के बीच में रखा गया। थर्ड फाइव ईयर प्लानिंग जो थी, इसमें 1961 से 66 तक सेल्फ सफिशियंस ऑफ फूड ग्रेन्स यानी कि खानों की चीज़ों को सेल्फ आत्मनिर्भर बनाना, ओवरऑल डेवलपमेंट एंड इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, अपने देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को क्या करना, एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाना, इनका मोटो था थर्ड प्लानिंग में। प्लान होलीडे, उसके बाद एक शॉर्ट टर्म आई, जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग आई जिसे हम बोले गए प्लान होलीडे, 1966 से 69 तक प्राइस स्टेबिलिटी थी इनकी, प्राइस स्टेबल बने रहे, मेन मोटो इनका प्राइस स्टेबल बने रहे। दूसरा फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर जितनी भी अवेलेबल हो उसका फुल्ली यूटिलाइज हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इक्वल प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज पे रखा गया, जो इनकी इक्वल प्रायोरिटी रखी गई, बराबर बराबर प्रायोरिटी दी जानी चाहिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को। फोर्थ ईयर प्लानिंग जो आई बेटा 1969 से 74 तक आई, इसमें देखा गया कि किस तरीके से हमारे प्राइमरी सेक्टर को एडवांसमेंट किया जाए या उनको डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट फाइव ईयर प्लानिंग आई 1974 to 79, एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जाए और पॉवर्टी किस तरीके से कम की जाए अपने देश के अंतर्गत, ये टॉपिक थे इनके, ठीक है। इसके बाद रोलिंग प्लानिंग्स आई 1978 से लेकर 80s तक, वही शॉर्ट टर्म प्लानिंग थी ये। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, किस तरीके से अपना इकोनॉमी को लिबरेट करा जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे लाया जाए, एलिमिनेशन ऑफ प्राइस कंट्रोल्स देखा गया यहाँ पर कि प्राइस कंट्रोल कैसे मैनेज करे जाए, कैसे देश के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला जाए ताकि प्राइस इक्वालिटी आ सके। नेक्स्ट था आपका सेवंथ ईयर प्लानिंग 85 से 90s के बीच थी, इंक्रीज इन
इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन इन फूड ग्रीन, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड थ्रू सोशल जस्टिस, वही था मेन मोटो। पहली जो 7 प्लानिंग आई, 5-year प्लानिंग थी, उनका मेन मोटो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास करना और अपने आप को सेल्फ सफिशियंट बनाना था, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको स्लाइड में बताया था। ठीक है, अपने देश को सेल्फ सफिशियंट कैसे बनाया जाए, अपने इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे सेल्फ सफिशियंट बनाया जाए, पहली 7-year प्लानिंग हमारी ये थी। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारी एनुअल प्लानिंग, जो कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग थी 90 से लेकर 92 तक। इंक्रीज इन इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी द सेम, इसमें भी वो वही था हमारा, 7th year प्लानिंग के ही मोटो थे यहाँ पर हमारे। उसके बाद 8th year प्लानिंग हुई 1992 से 1997 तक, फुल एम्प्लॉयमेंट, सभी लोगों को रोजगार मिल सके, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सभी लोगों को शिक्षा मिल सके, यूनिवर्सलाइजेशन हो गया, आप कहीं भी जाके शिक्षा ले सकते थे, मॉडर्नाइजेशन हो गया, हर क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न टेक्निक्स को लाया गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए। ठीक है, फिर 9th year प्लानिंग में 1997 से लेकर 2002 तक प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक प्राइस स्टेबिलिटी और सोशल ग्रोथ को ध्यान में रखा गया। 10th year प्लानिंग में बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड जेंडर गैप्स इन लिटरेसी, इस चीज को ध्यान में रखा गया। 11th 5-year प्लानिंग जो बनाई गई, रिडक्शन इन पॉवर्टी ऑफ एनवायरमेंट, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि किस तरीके से गरीबी को कम किया जाए, प्रोडक्शन कैसे प्रोवाइड की जाए अपने आसपास के लोगों को, काम जो काम कर रहे हैं उन मजदूरों को कैसे प्रोडक्शन प्रोवाइड कराया जाए, या SSI जो यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको प्रोडक्शन कैसे प्रोवाइड कराई जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इस चीज़ का प्लान करा गया। इसके बाद 12th और 13th जो थी, यानी कि जो 12th हमारी अभी गई है, 2012 से लेकर 2017 तक, उसमें क्या था, फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ विद इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब वही, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड बी इक्वल। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए 5-year प्लानिंग करी गई 12th में और 13th में भी वही मोटो है जो आपके 12th में थे, फास्टर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि किस तरीके से विकास को स्थिर बनाया जा सके, इंक्लूसिव करा जा सके और ज़्यादा तेजी से विकास किया जा सके। तो ये सारी आपकी 5-year प्लानिंग थी जो अभी तक 5-year प्लानिंग इंडिया में आई हैं। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंस करी गई किस पे, पब्लिक सेक्टर पे करी गई। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी का जो मेन फीचर था वो फीचर्स यहाँ पे दिए हैं, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, यानी कि लोगों का विकास को ध्यान में रखते हुए क्या करा गया, आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, तो उस चीज को ज्यादा ध्यान दिया गया, उनको ज्यादा फोकस किया गया। नेक्स्ट था प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, रेगुलेशन किस पे की गई आपकी, रेगुलेशन लगाई गई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे, ताकि प्रोटेक्शन दी जा सके किसे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। ठीक है, फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लोगों को मोटिवेट किया गया और फोकस करा गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकें। ठीक है, फोकस ऑन इंपोर्ट एंड सब्स्टिट्यूशन, जो भी आयात होंगे देश के अंदर वो सब्स्टिट्यूशन का ही आयात किया जाएगा, कोई मेन चीज़ का आयात भारत में नहीं किया जाएगा, इस चीज़ पे फोकस किया गया। प्रोटेक्शन ऑन फॉरेन कंपटीशन, अपने घरेलू डोमेस्टिक जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई, किससे, फॉरेन कंपटीशन से। अगर फॉरेन कंपटीशन आता है तो न्यू टेक्नोलॉजी आएंगी तो हमारे देश की अपनी जो क्वालिटी है और अपने देश के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या फिर आपके प्रोड्यूसर्स हैं उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो कंपटीशन को झेल नहीं पाएंगे, इसलिए प्रोटेक्शन लगाई गई फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, FDI का रिस्ट्रिक्शन कर दिया, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ये भी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत क्या क्या था, अचीवमेंट क्या क्या थे, इंक्रीज इन GDP, अचीवमेंट क्या क्या हुई प्लानिंग से, GDP बढ़ गई हमारे देश की, राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आपने देखा होगा लोगों की बचत बढ़ गई है और लोग अपना पैसा सेव करने लगे हैं, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का विकास होने लगा है और तरह तरह की नई नई टेक्नोलॉजी भारत में आने लगी है और देखने को मिलती हैं।
इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो गया है, ठीक है, इंक्रीज इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी बढ़ गया है हमारा, और एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बढ़ चुका है, फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका है, फुल तो नहीं कहेंगे लेकिन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट है फेलियर ऑफ प्लानिंग। अगर किसी प्लानिंग के फेलियर होते हैं तो क्या क्या होती है, पहला गरीबी, पॉवर्टी यानी कि, फिर है आपका हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, देश में मुद्रा का प्रसार हो जाएगा। मुद्रा का प्रसार का मतलब है यहाँ पर आपका देश में पैसा ही नहीं होगा लोगों के पास चीजें खरीदने के लिए, ठीक है, तो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। फिर इसके बाद आएगा अनएम्प्लॉयमेंट, देश में बेरोजगारी होगी। फिर क्या है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अपर्याप्त संसाधन। फिर उसके बाद आएगा स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि लोगों तक डिस्ट्रीब्यूशन बराबर रूप से नहीं पहुंच रहा है, ये सारी चीजें प्लानिंग की फेलियर्स में आ जाते हैं। तो बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया है, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी और ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।